हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे ही आप आईब्रोज और अपर लिप्स कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी सामान नहीं है, आपके पास थ्रेड नहीं है, आपके पास रेजर्स नहीं है, या फिर आपके पास वैक्स भी नहीं है करने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे ही खुद मिनिमम इंग्रेडिएंट से कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हो और कैसे अपने आईब्रोज और अपर लिप्स को क्लीन कर सकते हो। इसके लिए बिल्कुल मिनिमम इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ और चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैक्स स्ट्रिप्स बनाने के लिए आपको इस टाइप का कोई भी कैरी बैग लेना है और उसको इस साइज में कट कर लेना है। अगर आप हैंड्स और लेग्स के लिए बना रहे हैं वैक्स, तो आप इस साइज़ का भी कट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने आईब्रोज और अपर लिप्स के लिए इस साइज़ की स्ट्रिप्स को कट किया है। वैक्स बनाने के लिए 2 स्पून्स ऑफ शुगर मैंने इसमें लिया है और इसको मैंने ग्राइंड करके इसको पीस लिया है। इसको दरदरा पीसना है और उसके बाद कोई भी हैवी बेस वाले बर्तन में आपको इसको डालना है और इसको चलाते रहना है जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली मेल्ट हो गया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लेमन, और लेमन की पहले आपको 10-15 ड्रॉप्स डालनी है, उसको थोड़ा सा चलाना है और उसके बाद आपको पूरा हाफ लेमन इसमें ऐड कर देना है, और साथ ही आपको 2 स्पून्स ऑफ वाटर भी ऐड कर देना है, और उसके बाद थोड़ा सा लेमन और ऐड कर देना है। कई बार शुगर कैरमलाइज भी हो जाती है, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के उसको और पका लेना है तो वो ठीक हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्स रेडी हो गई है, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसको एक बार हाथ पे अप्लाई करके देख लूँगी कि ये ठीक से काम कर रही है या नहीं, और अगर ये ठीक से काम नहीं कर रही है मैं इसमें थोड़ा सा नींबू और डाल के इसको पका लूँ। आपकी वैक्स नाइफ पर इस टाइप से स्लाइड होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे अपर लिप्स पे। मैं यहाँ पर बटर नाइफ की हेल्प से इसको अप्लाई कर रही हूँ। इसके टेम्परेचर को चेक करके आप इसको अपर लिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। आईब्राउज करते टाइम आपको बहुत केयरफुल रहना है, और जब आपको आईब्राउज के नीचे वाली साइड पर वैक्स करनी हो तब आप इस टाइप से सारे बालों को ऊपर की तरफ कोम कर लेंगे, और जब ऊपर की साइड करनी हो वैक्स तो आप सारे बालों को नीचे की साइड कोम कर लेंगे। बहुत ही थोड़े से अमाउंट में आपको वैक्स लेकर इसको इस टाइप से अप्लाई करना है, और इस टाइप पे जो वैक्स है उसका भी टेम्परेचर आपको चेक कर लेना है पहले, क्योंकि वाला जो एरिया है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, अदरवाइज़ जलने का डर रहता है। वैक्स अप्लाई करने के बाद आप स्ट्रिप लेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, और इससे जेंटली आप प्रेस करेंगे इसको और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको पुल कर देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर की साइड वैक्स करने के लिए आप सारे बालों को नीचे की तरफ कोम करेंगे, और ऊपर की जो वैक्स होती है वो हम 2 पार्ट्स में कवर करते हैं। फर्स्ट होता है आपका यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद हम बचा हुआ एरिया कवर करते हैं। इसके बाद आपको दोनों आईब्रोज के बीच के एरिया को भी इस टाइप से वैक्स कर लेना है।
उसके बाद आपको सीजर्स की हेल्प से जो भी बाल आईब्रो के ऊपर निकल रहे हैं उनको ट्रिम कर लेना है। उसके बाद ठंडे पानी से फेस वॉश कर लेना है और कोई भी अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है। तो यस, आज हमने देखा कि हम घर पे ही आईब्रोज और अपर लिप्स कैसे कर सकते हैं, और आप इस वैक्स को ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये बिल्कुल केमिकल फ्री है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।